विद्या भारती सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर संदीप सरावगी। अध्यापकों और बच्चों का किया सम्मान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विद्या विभूति सम्मान समारोह का आयोजन झांसी प्राइवेट स्कूल जूनियर वेलफेयर एसोसिएशन झांसी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे। अध्यक्षता नगर शिक्षा अधिकारी ब्रह्म नारायण श्रीवास्तव ने की। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट हरिमोहन गुप्ता रहे। कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ माँ सरस्वती की वंदना के साथ किया गया। तब उपरांत बच्चों ने रंगाराम कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इसके उपरांत मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि हर इंसान का पहला गुरु माता होती है, जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है, लेकिन उसको शिक्षा दीक्षा और भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मुख्य भूमिका एक गुरु की ही रहती है। ऐसे गुरु को मैं सत सत प्रणाम और नमन करता हूँ। विद्या विभूति सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया है 5 सितंबर। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिन शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सम्मानित मंच पर जो बैठे हुए हैं हमारे एडवोकेट हरिमोहन गुप्ता जी, हसन अंसारी जी, निशांत वर्मा, तरुण अग्रवाल और दिनेश यादव जी, मृदुजा बेग और यहाँ पे आए हुए टीचर और हमारी मातृशक्ति, सब लोगों का वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारी जिंदगी में सबसे पहले अगर कोई शिक्षक होता है वो होती हमारी माँ, जो शुरू से ही हमें सिखाने लगती जिंदगी जीने का प्यास, पढ़ाना लिखाना सबसे पहले शिक्षक होती है। जैसे ही जिंदगी के दूसरे चरण में हम लोग कदम रखते हैं तो हमें शिक्षक के रूप में मिलते हैं आप लोग, जो वास्तविकता में बच्चों के जीवन का निर्माण करना, उनके भविष्य का निर्माण करना, भारत वर्ष का निर्माण करना, हमारी निगाह में ये सब आप ही के हाथ में होता है। आप ही जैसे शिक्षक ने कभी हमें समझाया होगा, तभी मैं डॉक्टर संदीप सरावगी आज सेवा भाव से लगा हुआ हूं। आप लोगों में से हो सकता है कई लोग ना जानते हो, हम लोग, मैं डॉक्टर संदीप सरावगी एसएम टावर जोगन बाग पर संघर्ष सेवा समिति के नाम से, जो बच्चे जिंदगी में परेशान हैं या जिनके माँ बाप कोरोना काल में चले गए या बेटियां परेशान हैं या किसी परिवार को कोई भी तरह की कोई दिक्कत है, ऐसे बच्चों की हेल्प करना, ऐसे परिवार की हेल्प करना, ऐसी बेटियों की हेल्प करना, क्योंकि कोरोना काल में जब हमने देखा कि एक घर छोड़ के दो घर छोड़ के हर घर में एक लाश थी और कई परिवार तो ऐसे थे जिनके पास दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे, उस समय अपने आप को हम वचन दिए और उसी समय से मातृशक्ति के लिए सबसे पहले 5 करोड़ 5 लाख का इंश्योरेंस हम ही दिए थे 101 बैंक। उसके बाद कभी 7.5 करोड़ का, कभी 2.5 करोड़ का, कभी 5 करोड़ का इंश्योरेंस किसी भी जात, किसी भी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एससी हो, बीसी हो, डीसी हो, जिस सब चीजें हमारी देरी के बाहर तक अच्छी हैं। जब हमारे यहाँ कोई भी बेटी आती है या परेशानी उस घर में, तो हम लोग दुल्हन के रूप में सजवाने का, श्रृंगार का, उसके परिवार में कोई परेशानी हो उसमें सारा साथ हम लोग देते हैं। और जब दुल्हन के वेश में सजा के हम लोग बेटी और बहन के रूप में विदा करते हैं तो उसके पैर धोकर विदा करते हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विशाल सेन जी को, प्रबंधक केएलबी पब्लिक स्कूल। मैं श्री मुकेश साहू जिला प्रभारी मध्य जी कृपया मंच पर आए। श्री साकिर खान जी कृपया मंच। प्रबंधक स्मार्ट किड्स पब्लिक स्कूल। गौरव अनुकूल जूनियर हाई स्कूल नगरा। श्रीमती श्री
अरविंद झा जी, चतुर्भुज गुप्त, मीना साहू जी प्रधानाचार्य है, श्रीमती मीना साहू जी का गोयनका पब्लिक स्कूल झांसी, विद्यारत्न जो है स्कूल के शोभाराम प्रजापति जी का विद्यारत्न ग्रहण करते हुए श्रीमती मेयर श्रद्धानाचार्य एमरॉल जूनियर हाई स्कूल सारवंदक श्रीमान हरीश कुमार गुप्त, समाज विभूति से सम्मानित श्री अली मंसूर आए, उनने कौन सा लूटा? हमने कहा एसबीआई का, कहती बेवकूफ हो, पीएनबी का क्यों नहीं लूटा? पत्नी को संतुष्ट करना बहुत श्रीमती कीर्ति वर्मा जी हमारे उपाध्यक्ष निशांत वर्मा जी के धर्म पत्नी, उसने छाड़ के माला दी है, जोरदार तालियां बजाएं। सोसाइटी के एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार यादव, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ विद्यालय के जो स्टाफ रह गया है।